हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा ब्लूटूथ जो है दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ब्लूटूथ को बंद करना है और यहाँ पर आपको जो अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है। ठीक है, तो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको जो है ना थोड़ी देर में यहां पे नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इसे टैप करना है। तो आपकी जो इस पेज में ये जो तीन सेटिंग आप देख रहे हैं ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये जो तीनों सेटिंग है, तीनों सेटिंग आपकी फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। आपको इसे नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ओके का बटन टैप करना है। आपको थोड़ी देर में यहां पे लिखा हुआ आ जाएगा ये देखिए नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से फोन की नेटवर्क सेटिंग रीसेट करना है जिससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रिबूट करना है। इसके लिए आपको फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से आपको दबा के रखना है थोड़ी देर तक। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा ये वाला, इसमें आपको रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होता है आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाता है। रिबूट करने से ये होता है कि हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रिबूट करने से। अगला काम ये करना है आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, तो इस कारण हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में भी कुछ कमियां आने लगती हैं। तो फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है। सबसे पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू करना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये अबाउट फोन के सामने इस तरीके का ये अपडेट का बटन दिखाई अगर देता है तो इसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है जिससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं तब आपको मोबाइल फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में आपको रीसेट लिखना है। ठीक है ना, रीसेट लिखेंगे तो आपको जो है थोड़ी देर में नीचे की साइड एक ऑप्शन शो हो जाएगा फैक्ट्री रीसेट का, ये वाला फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपको जो है फैक्ट्री रीसेट के इस पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे इससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए आपके फोन का जो सर्विस सेंटर है ना वहां पर आपको सर्विस सेंटर चले जाना है और अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताएं। ठीक है,